जब शादी का माहौल होता है तो 33,000, 30,000, 18,000, 20,000, 22,000 की टिकट बिकती है। जब कोई पर्व होता है, दुर्गा पूजा हो, छठ हो, या काली का हो, चाहे जिस चीज़ का रामनवमी हो, तब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा भाड़ा बढ़ गया। निजी एयरलाइंस पूरी हाथी हो चुकी है। वो सभापति महोदय, उसको लगता है कि हम पर कोई अंकुश नहीं है, मैं जो चाहूँगा, जब चाहूँगा, जिस हाल में चाहूँगा, जिस परिस्थिति में चाहूँगा, मैं करूँगा। क्योंकि वो सभी बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात उसकी होती है। कोई कारण क्यों नहीं बताता कि 4 बजे 4 मिनट के पहले टिकट का ये कीमत था और ठीक 5 मिनट के बाद टिकट 30,000। ये आखिर टिकट के कारण क्या होंगे? एक तो आपको ये बताना चाहिए कि आप कारण बताइए कि टिकट का फेयर क्यों बढ़ गया 5 मिनट के अंदर। खाना इतना महंगा है कि मिडिल क्लास जो काम करके बाहर से विदेशों से आते हैं और वो घर जाना चाहते हैं किसी भी घटना के कारण, नहीं जा पाता है। माननीय सदस्य श्री राजेश रंजन जी, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी, 130 से 140 एयरपोर्ट, माननीय मंत्री महोदय, मंत्री जी, 130 से 140 एयरपोर्ट है सिर्फ आपके पास, और 330 मिलियन अमेरिका के पास जनसंख्या है, 5,472 एयरपोर्ट, और हमारे बराबर में ही चाइना की जनसंख्या है जहां पर 500 से ऊपर एयरपोर्ट है। दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी, 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देते हैं और लगभग 90-95% लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, 2 व्हीकल नहीं है, और बिलो पॉवर्टी लाइन 92% लोग हैं। आप जहाज को आम आदमी और विभिन्न जगहों पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन 41% आपका ही रिपोर्ट है, 41% किराए में वृद्धि होती है। एक, आप ऊपरी सीमा को तय क्यों नहीं करते हैं? आप निचले सीमा को क्यों तय करते हैं? स्लैब निर्धारित आप क्यों नहीं करते हैं? आप इस पर फोकस नहीं करते? एक प्राधिकरण बनाइए जो किसी भी कीमत पर वो निगरानी करे, और समय समय पर ऑडिट होना निजी एयरलाइंस का सबसे ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, निजी एयरलाइंस पूरी हाथी हो चुकी है। वो सभापति महोदय, उसको लगता है कि हम पर कोई अंकुश नहीं है, मैं जो चाहूँगा, जब चाहूँगा, जिस हाल में चाहूँगा, जिस परिस्थिति में चाहूँगा, मैं करूँगा। क्योंकि वो सभी बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात उसकी होती है, उनको लगता है कि हम पर कभी भी कोई अंकुश नहीं होगा। इसीलिए मेरा बहुत ही क्लियर है इसमें कि जैसे मेरा 2-3 आग्रह इसमें यह है कि आप टिकट को देखिए, हर 4-5 मिनट के बाद, जैसे कोई पर्व आता है मेरे यहाँ जितने पर्व हैं, या मजदूर हमारे यहाँ से 3 करोड़ मजदूर बाहर, 2.25 करोड़ बाहर काम करने जाते हैं, जब शादी का माहौल होता है तो 33,000, 30,000, 18,000, 20,000, 22,000 की टिकट बिकती है। जब कोई पर्व होता है, दुर्गा पूजा हो, छठ हो, या काली का हो, चाहे जिस चीज़ का रामनवमी हो, तब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा भाड़ा बढ़ गया। जब हम कहीं बाहर पर्यटन के लिए जाना चाहेंगे, या इन्हीं के यहाँ विशाखापट्टनम या गोवा या किसी भी पर्यटक स्थल पर हम जाना चाहेंगे, तो 30,000 से कभी भी कम की टिकट नहीं मिलेगी। आप हमको एक बात बताइए, ये कोई कारण क्यों नहीं बताता कि 4 बजे 4 मिनट के पहले टिकट का ये कीमत था और ठीक 5 मिनट के बाद टिकट 30,000। ये आखिर टिकट के कारण क्या होंगे? एक तो आपको ये बताना चाहिए कि आप कारण बताइए कि टिकट का फेयर क्यों बढ़ गया 5 मिनट के अंदर। ये पूछने वाला कोई नहीं है, आप नहीं पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम जाते हैं एयरपोर्ट तो सामान में 5 किलो सामान ज़्यादा हो गया, या 4 किलो या 3 किलो, तो आप जबरदस्ती, आप मनमानी कितना टिकट काट देते हैं कि इतना आपको दे देना। अरे भाई, आप बैग को लौटा दीजिए। आपका यदि प्लेन ले जाने को तैयार नहीं है तो पैसा लेकर के आप उतना ही वजन लेते हैं, तो फिर पैसा क्यों लेते हैं? तो तीसरी चौथी चीज, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं, GMRY हो या जिसका भी हो, तो 160 रुपये का समोसा, खाना इतना महंगा है कि मिडिल क्लास जो काम करके बाहर से विदेशों से आते हैं और वो घर जाना चाहते हैं किसी भी घटना के कारण, नहीं जा पाता है। चौथी चीज, जब कोई कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, लीवर का इलाज है, जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लेन है, उनके पास एयर एम्बुलेंस नहीं है, वो दिल्ली आने के लिए या कहीं बड़े शहर जाने के लिए उनके पास क्या सुविधा है? तो आप क्या ऐसे बिलो ऑफ पॉवर्टी लेन, जिसको जो कैंसर, जो संक्रमण बीमारी से
परेशान है, क्या उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था आप करेंगे कि 4,000 या 5,000 एक फिक्सेशन कर दीजिए कितना में वो जाएगा। चौथी चीज, जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बाहर एग्जाम देने के लिए जाता है, जिसके पास ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाता है, वो जल्दीबाजी में है, क्या उसके लिए कोई मानक होगा? उस बच्चे के लिए जो इस स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, क्या वो भी 30,000 में लेकर के जाएगा? क्या ले जाने की स्थिति होगी? इसीलिए अंतिम में मेरा आग्रह यह है कि आप प्लेन को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उस पर कोई बजट आपका है ही नहीं, आप बजट दे नहीं रहे हैं। बिहार में जैसे पूर्णिया की बात हमारे मित्र ने भी की, लगातार मेरी बातचीत, उस पर मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। मेरा एक आग्रह है कि पूर्णिया में जैसे आपने एयरफोर्स है, एयरफोर्स का है, वहाँ पर चाइना का वार वहाँ होता था, वहाँ बहुत ही अंडरग्राउंड है, पीएम जाते हैं वहीं रहते हैं, छोटा छोटा प्लेन शुरू भी हुआ था, क्यों नहीं हम पूर्णिया में चीज़ों को बनाकर, हमारा जो सबसे बड़ी चीज़ है उसमें है कि आप टर्मिनल को बना पूर्णिया को पूरा टर्मिनल तुरंत आप बना के, और जो जमीन यदि आपको कम हो रहा है तो तत्काल बाद में उसको अधिग्रहण करें, टर्मिनल बना करके आप एयरफोर्स पर आप पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू करें। दूसरा चीज, पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात लगातार उठ रही है, 10 सालों से लगभग 7 सालों से पटना एयरपोर्ट बनने, कौन बना रहा है, कौन कंपनी बना रहा है, कब तक वो पूरा होगा या नहीं होगा? दरभंगा की भी यही स्थिति है, दरभंगा हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, लेकिन दरभंगा में अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के ने उसको शुरुआत की थी, 2 एयरपोर्ट थे हमारे पास, एक गया, लेकिन गया इंटरनेशनल कहने के लिए है। हम बौद्धिस्ट चीजों को नहीं जोड़ पाते, अंतिम कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे है कि पूर्णिया में एक पूर्णिया एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर एयर, जो बच्चों के लिए हमारा आग्रह आपसे, एक डिमांड है मेरा कि आप इसको करें। दूसरा चीज, मेरा लास्ट है हुजूर, मैं लास्ट कर रहा हूँ। मेरा आपसे इंडिगो, मेरा आग्रह, जो प्लेन दिवालिया हो गया गो, क्या सरकार दिवालिया कोई एयरक्राफ्ट जो है उसके लिए कोई व्यवस्था कर रहे हैं? और जो इंडिगो है या कोई ऐसी प्लेन है, प्लीज यू स्टार्ट। मर्यादिक सभानायकर अवर्गले,